कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 इसका हम नौवां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, अब इस प्रश्न के तीन भाग हैं। पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो बी ऑफ लाल कंचा, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, बी ई लिखने के बजाय सीधे लिख लेते हैं बी ऑफ लाल कंचा। तो लाल कंचे को निकालने की प्रायिकता कितनी है, तो मैंने आपको पहले भी कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रायिकता के रूल्स करवाए थे और उसमें आपको यही बताया था कि हमें क्या करना है, प्रायिकता के लिए बटा लगाना है सबसे पहले, इसके बाद कुल कंचे गिन लो, ये बार लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती लेकिन लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। कुल कंचे 8, 5, 13, 13 और 4, 17 कंचे, तो इसका मतलब कुल कंचे आ गए 17। तो जब हमें प्रायिकता निकालनी है तो ये जो कुल कंचे हैं ये आ जाएंगे नीचे, क्योंकि उस थैले में कुल 17 कंचे। अब इसमें से लाल कंचे कितने हैं, 5, फेवरेबल आउटकम होगी 5, इसका मतलब लाल कंचे के निकलने की प्रायिकता आ गई 5/7। इसी प्रकार से हमें निकालना है सफेद, इसका मतलब पी सफेद कंचा, इसके लिए हम देखेंगे फिर से बटा लगाएंगे, प्रायिकता निकालनी है, जो कुल कंचे हैं वो लिख देंगे नीचे, और जो सफेद कंचे हैं वो कुल कितने हैं, 8 आ जाएगा ऊपर, इसे हमें पता चला सफेद कंचे के निकलने की जो प्रायिकता है वह आ गई 8/7। इसके बाद है इसका तीसरा भाग है, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हरा नहीं है। अब आप देख रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हरे नहीं कंचे, इसका मतलब वो कंचे जो हरे नहीं है, वो कंचे जो हरे नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ दो, बाकी कंचे कितने हो गए, 8 और 5 ना। तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे P हरा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से बटा लगाएंगे, नीचे लिख देंगे 17 जो भी है कुल कंचे, और हरे नहीं कंचे कितने हैं, 13। इसका मतलब हरे नहीं कंचों की प्रायिकता आ गई 13/7। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हरा नहीं कंचा, पहले हम हरे कंचों की प्रायिकता निकालते और उस प्रायिकता को एक में से माइनस करते, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता, इसके बजाय हमने देखा कि हरे कंचे नहीं, हरे कंचों को छुपा लो, बाकी जो कंचे हैं वो हरे नहीं है, यानी 8 और 5, 13, तो 13/17 यह हरे नहीं कंचों की प्रायिकता आ गई है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है।